मान लो ये क्वेश्चन है अपने पास, हो जाएगा नहीं होगा? पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अपने को इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है। CH4 में तुमको क्या लगता है कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, मतलब है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10। ठीक है, बट पूछ रहा है 1.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 10 इलेक्ट्रॉन होते। अब तुमको पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा कि 1.6 ग्राम में CH4 के मॉलिक्यूल कितने रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल्स। मोल्स अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 1.6 अपॉन CH4 का मोलार मास कितना हो जाएगा? 16। तो ये कितना हो गया? 0.1। या देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? 1/10, राइट? ऐसा मैंने क्यों लिखा बताता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लूँ तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो तुम? मोल्स इंटू, मोल्स कितना है? 1.10 इंटू 6.0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने आए? इतने आए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो ये गया, खाली क्या बचेगा? 6.022 इंटू 10^23। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, करोगे? ठीक है, अपने को क्या दिया है? सुक्रोज दिया हुआ है। तो सबसे पहले तुमने क्या निकाला होगा? मोल्स। ठीक है, मोल्स कितना दिया हुआ है? मास कितना है अपने पास? 6.84 ग्राम, राइट है? चलो, ये हो गया 6.84 अपॉन, क्या मिलेगा अपने को? इसका मोलार मास कितना आएगा? 342। ठीक है, तो ये कैंसिल होके कितना आ रहा है? 0.2। आएगा ना कि 0.02 आएगा? जीरो पॉइंट जीरो टू आना चाहिए ना, इधर ही गलत हुआ होगा शायद तुम लोग का। अच्छा, एक ही पॉइंट है ना, तीन है तो दो जीरो लेने पड़ेंगे, तो 0.02 हो गया। अब यहां से तुम लोग ने क्या निकाला होगा? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, 6 × 10^23 कर लो, ये मिल गया। अब कार्बन का एटम बताना है, हाइड्रोजन का बताना है, ऑक्सीजन का बताना। तो कार्बन के टोटल एटम कितने? 12। तो 12 इंटू मॉलिक्यूल्स इंटू 6V, हाइड्रोजन के कितने? 22 है, 22 इंटू 0.02 इंटू 6 × 10^23। ऑक्सीजन के कितने? 11। तो ये हो जाएगा आंसर। अभी देखो सबसे पहले अपने पास क्या होता है? ठीक है, मोल्स होता है, राइट? मोल से मैं क्या निकालता हूँ? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से तुम क्या निकालते हो? एटम, राइट है? मोल्स अपने को दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हो? मोल से मल्टीप्लाई करते हो, किसका? एवोगाड्रो नंबर का। ठीक है, और अगर मॉलिक्यूल निकल गया तो मॉलिक्यूल निकलने के बाद एटम कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, जो भी एटम हमको चाहिए। तो अगर मान लो मेरे को एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करोगे?
एटम दिया हुआ है और उससे मॉलिक्यूल चाहिए। डिवाइड ही करोगे ना, नंबर ऑफ एटम से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। आगे के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर मॉलिक्यूल से मोल निकालना होगा तो क्या करोगे, फिर से डिवाइड कर दोगे किससे, क्लियर है क्या ये कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमारे पास मोल्स था तो मोल से मैंने मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल से मैंने क्या निकाला था, एटम। बट इसमें क्या दे रहा है, मेरे को एटम दे रहा है, तो मेरे को उल्टा जाना पड़ेगा ना, और उल्टा जाने के लिए क्या करोगे, एटम से मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल से मोल्स निकालोगे। अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुमको मास पता है तो मास को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूं किससे, मोलर मास से, तो क्या आएगा, मोल्स। मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं एनए से तो क्या आ जाएंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ एटम से तो एटम का नंबर निकल के आ जाएगा। अब अगर एटम का नंबर दिया है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो क्या करोगे, एटम के नंबर से डिवाइड कर दोगे, मॉलिक्यूल से मोल चाहिए तो वापस से डिवाइड कर दोगे एनए से, और मोल से अगर मास चाहिए तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किससे, मोल से ना, नहीं मोलर मास से। तो इसी फॉर्मेट से ये क्वेश्चन होगा एक्चुअली में, देखो ट्राई करो। अब सबसे पहले मेरे पास नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम है, कितने हैं, 2.4 × 10^24, ठीक है। तो इससे अगर मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, किसके मॉलिक्यूल मालूम है, CH4 के, तो तुम क्या करोगे, ठीक है, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो भी एटम का नंबर दिया हुआ है, इतना नंबर दिया हुआ है, किससे डिवाइड करोगे, एक मॉलिक्यूल में CH4 के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, अगर एक मॉलिक्यूल में मैं देखूं, चार है, तो चार से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, देखो 0.6 × 10^24, ये मिल गया तुमको। अब मेरे को मॉलिक्यूल्स मिल गया है, मॉलिक्यूल में से अगर मेरे को मोल्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मोल्स ऑफ CH4 अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, जितने मॉलिक्यूल मिले हुए हैं उनको किससे डिवाइड कर दूँ, एन ए से, एन ए मतलब कितना, 6 × 10^23 चलेगा, तो ये कितना मिल जाएगा, लगभग ये 24 है, अगर इसको मैं 6 कर दूं तो ये भी 23 हो जाएगा, मतलब टोटल मोल्स कितने हैं CH4 के, दिख रहा है, एक मोल है, राइट। अब मेरे को मोल पता चल गया, मेरे को उसने मास पूछा था, व्हाट इज द वेट, तो क्या करोगे, मोल्स पता है, मास निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, मास के लिए मोल्स इंटू मोलार मास, CH4 का मोलार मास बताओ, मोल्स तो एक आ गया, मोलार मास 16, मतलब 16 ग्राम जो CH4 का है वो इतने हाइड्रोजन के एटम कंटेन करेगा, समझा नहीं समझा, ठीक है, देखो ऐसे दिया हुआ, वही सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required 7.0, ठीक है, क्या बोल रहा, मास ऑफ, कितना ग्लूकोज का मास हम लोग लें कि इतने एटम्स मिल जाए किसके, मेरे को, ऑक्सीजन के, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है।
कि हमको ग्लूकोज का कितना मास लेना है कि वो इतने एटम्स मेरे को प्रोवाइड करवाए। क्वेश्चन में सबसे पहले तुमको दिया हुआ है क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि अपने को पता है कितने, 7.2 × 10^26, ठीक है। ग्लूकोज बोला है तो ग्लूकोज मेरे को पता है इसमें ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 एटम होंगे ग्लूकोज के, ठीक है। अब 6 एटम होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं निकालूं किसके, ग्लूकोज के, ठीक है, तो 7.2 × 10^26 और ऑक्सीजन के एटम का नंबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे जब तुमने डिवाइड किया होगा तो तुमको मिला होगा 1.2 × 10^26, ये मिल गया। अब मॉलिक्यूल्स मिल गए तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ ना, मोल्स के लिए क्या करोगे, तुमको क्या किया होगा, मोल्स के लिए ये नंबर इंटू अपॉन 6 × 23 ले लो, एवोगैड्रोस नंबर, ये हो गया कितना 0.2, और ये ऊपर गया होगा तो कितना मिल गया होगा, 0.2 × 10^3, ठीक है। अब इसको चाहिए तो तुम ऐसे भी लिख सकते थे, 200 मोल्स, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 बढ़ जाएगा, 200 मोल्स हो गए ना डायरेक्ट। तो अब मोल्स हो गए तो वेट निकाल सकते हो ना, वेट के लिए मैं क्या करूंगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोल्स अपने को पता है 200 मोल्स है, मोलर मास ग्लूकोज का निकालोगे तो 180 आएगा, ठीक है। अब ये मिलेगा क्या तुमको, 36, 1 2 3, इतना ग्राम मिलेगा, बट इतना बड़ा अगर नंबर तुमको नहीं लिखना है तो तुम लोग क्या लिख सकते हो, इसको मैं 36 kg लिख सकता हूँ क्या डायरेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें 110 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड का, 96 ग्राम है ओजोन का, 90 ग्राम है वाटर का, 160 ग्राम है SO3 का और 342 ग्राम है सुक्रोज का। इनको मैंने एक कंटेनर में मिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो वो तुमको बोल रहा है कि मेरे को बताओ इन सबको मिलाने के बाद जो ऑक्सीजन के एटम हैं उनका नंबर कितना होगा, टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आगे आपकी मर्जी। मेरे पास सबसे पहले उसने क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो मान लो जो भी रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे रिएजेंट लिख लो, यहाँ पे उसका मास लिख लो, ठीक है। यहाँ पे पहले मेरे को मोल्स निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स, फिर जाके ऑक्सीजन के एटम निकाल पाओगे ना तुम लोग, ठीक है। तो ये 4-5 कॉलम बनेंगे ऐसे। तो अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं लेता हूँ, मास कितना दे रहा कार्बन डाइऑक्साइड का, 110 ग्राम, राइट, 110 ही है ना, हाँ। अब इसके मोल्स कितने आए होंगे निकाल के बताओ जरा मेरे को, मास इतना दिया है, ठीक है, तो मास है 110 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 44। तो पॉइंट में मत लेके जाओ नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा, एक लास्ट नंबर तक लेके जाओ ताकि फ्रैक्शन बन जाए। अगर इसको मैं काटूं तो ऐसे भी मिलेगा देखो, ठीक है, 5/2 लिख सकता हूँ, तो पॉइंट में मत लेके जाओ। अब इतने मोल्स निकल गए तो यहाँ पे तुमको क्या निकालना था, मॉलिक्यूल, राइट, मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे इसके, 5/2 × Na, राइट है, ठीक है, ये निकल गए मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीजन के एटम निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स तो मेरे को लिखने ही पड़ेंगे ना, 5/2 × Na, बट ऑक्सीजन के एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ
समझा। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए टोटल, 5 Na। तो ऐसे लेके चलो इसको, नहीं तो मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसमें आ जाएगा 5 Na, नीचे कुछ और Na आ जाएगा, तो उनको मल्टीप्लाई मत करो, खाली ऐसे नंबर लिख के आगे Na लिख दो, चलेगा ना। CO2 का 5 Na आया, O3 का कितना Na आया सॉल्व करने पे बताओ, 6 Na मिला होगा। फिर क्या था अपने पास, वाटर, वाटर का कितना मिला, 5 Na। फिर क्या आया अपने पास, SO3, SO3 का तुमको मिला होगा 4 की 6, 6 Na। हाँ तो 3 दिन 6 हो जाएगा, मोल्स 2 आए ना, और ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 3 है, बराबर 6 Na। और क्या मिल रहा है अपने को, लास्ट क्या था, सुक्रोज, H12 H22 O11। तो इसमें कितना आ रहा है Na, 11 Na। तो पूरा ऐड जब करोगे तो कितना मिलेगा, 11 6 17, 17 5 23, 23 6 29, 29 और 5 33 Na। यही राइट आंसर है। मान लो वो तुमको बोल रहा है कि जो तुमने ऊपर ऑक्सीजन के एटम निकाले, ठीक है, कितने निकाले थे ऊपर हम लोग ने, 33 Na, ठीक है। वो तुमको बोल रहा है कि मैं ग्लूकोज का कितना मास लूं, मास ऑफ ग्लूकोज, जिसके पास सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो, इतने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो तो उस ऑक्सीजन का मास कितना होगा। ये क्वेश्चन अपन किए अभी ऊपर, देखो मैंने तुमको एटम्स का नंबर दे दिया था और बोला था मास बताओ, तो है वही चीज एक्चुअली में, निकलेगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लो ये बोल रहा है कि मेरे पास इथेन है और मीथेन है, ठीक है। बोल रहा है कि इसका अगर मैं 80 ग्राम लेता हूं तो जितने हाइड्रोजन एटम आते हैं उतने ही हाइड्रोजन एटम इथेन में लाने के लिए मेरे को इसका कितना मास लगेगा, ठीक है। मीथेन के 80 ग्राम में जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन अगर मैं इथेन में चाहूं तो मेरे को कितना मास लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकलेगा, मीथेन का तुमको 80 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 80 ग्राम से तुम इसका मोल्स निकालो और मोल से तुम हाइड्रोजन का एटम निकाल लो। तो जैसे ही हाइड्रोजन का एटम मिलेगा, अब हाइड्रोजन का एटम अगर तुमको मिल गया तो इथेन के फॉर्मूले में रख के, इथेन में कितना आता है हाइड्रोजन, 6 आता है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 50 आ गए या 60 आ गए, अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लो, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 60 आ गए, तो इथेन में तो 6 होते हैं ना। अभी मैंने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर एटम दिए होंगे तो हम लोग मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो इथेन में 6 है तो इसको डिवाइड कर दो तो 10 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इथेन के, और 10 मॉलिक्यूल निकलने के बाद इथेन का मोल्स भी मिल जाएगा तुमको, और इथेन का एक बार मोल्स मिल गया तो उससे क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। समझा नहीं समझा, हमको सिर्फ एक ही डेटा दिया है 80 ग्राम ऑफ CH4, तो इसी से प्रोसीड करते जाओ ना। 80 ग्राम ऑफ CH4 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो मेरे को बता दो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 80/16 तो आगे 5 मोल, राइट है। यहां से मेरे को बताओ इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, किसके, CH4 के, तो 5 × Na, ठीक। अब उसने बोला था हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन एटम इन CH4 कितने हो जाएंगे, 4
इंटू फाइव इंटू एन ए, राइट। चलो यहां से मिल गए मेरे को हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, सी एच फोर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब आता है मेरा इथेन का कॉन्सेप्ट। अब मैंने हाइड्रोजन के एटम निकाल लिए, मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है। अगर मैं सी टू एच सिक्स की बात करूँ तो हाइड्रोजन के एटम पता चल गए इतने हैं, ठीक है। तो फोर इंटू फाइव इंटू एन ए, इसको किससे डिवाइड करोगे, छः हैं, छः से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा, मॉलिक्यूल ना। तो अगर मैं मॉलिक्यूल निकालूं, मॉलिक्यूल ऑफ सी टू एच सिक्स, तो कितना मिल जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसे लिख लेते हैं इसको, टू बाय थ्री या टेन बाय थ्री एन ए, ठीक है। यहां से अगर मैं मोल्स निकालना चाहूं तो मोल्स कैसे निकालूंगा, मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या, एनए। तो ये एनए एनए तो गया, ये कितने बज गए, 3.33 ऐसे आएगा। अब मॉलिक्यूल मोल्स निकल गए, तो मोल से मैं मुझे पूछा क्या था, उसने मास पूछा था ना। मास के लिए क्या करोगे, मोल्स इनटू मोलार मास। तो मोल्स तो पता चल गए, 3.33 इनटू सी टू एच सिक्स का मोलार मास कितना होगा, 30। तो तीन तिहाई नौ, 99.9, 100 ग्राम। कहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। एक साइड C2H6 दिया, एक साइड CH4 दिया है, और बोला है कि कितना वेट लगेगा कि इसके हाइड्रोजन एटम और इसके हाइड्रोजन एटम सेम हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, नंबर ऑफ एच एटम इन C2H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच एटम इन CH4, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 इंटू हाइड्रोजन के एटम निकालने के लिए तुम लोग ने क्या क्या किया होगा। हाइड्रोजन एटम को निकालने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किस में, इसके मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स इंटू एन ए, ऐसे निकलता है ना मॉलिक्यूल। इसके मोल्स में जब एन ए मल्टीप्लाई करोगे तब मॉलिक्यूल्स निकलेगा। इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के, 4, और इसके कितने मॉलिक्यूल्स थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच फोर इंटू एन ए, ऐसे निकाला होगा। अब मेरे को तो पता है ना, ये एन ए तो यहां से वैसे ही चला गया, अब बचा कौन, 6 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, मास अपॉन मोलार मास। मास तो मेरे को पता नहीं है, बट मोलार मास तो पता था ना इसका, मेरे को कितना कितना निकाला, 30। 4 इंटू इसका मोल्स कैसे निकाला होगा, मास कितना था अपने पास, मास दिया था ना CH4 का 80 ग्राम। तो इसका 80 ग्राम अपॉन इसके मोल्स, नहीं मोलार मास इसका कितना, 16। तो ये हो गया 5। तो मेरे को मास ही तो निकालना था CH4 का, कि इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन बराबर हो जाए तो मास कितना होगा। मैंने इक्वल का साइन डाल दिया, तो मास देखो कितना निकल के आएगा, ये हो गया 4 × 5 = 20, ये 30 ऊपर चला जाएगा अपॉन 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30 और 20 × 5 = 100। सैंपल लेना, वो बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ P4 विच कंटेन सेम नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, ठीक है। मेरे को इसका मास बताना है, ठीक है, और इनका तुमको दिया हुआ है। बोला है इसमें जितने फॉस्फोरस एटम आ रहे हैं
उतने ही फास्फोरस इतने इसमें भी हैं, लेकिन बताओ कि इसका मास कितना लेना पड़ेगा मुझे कि इनके बराबर फास्फोरस एटम आ जाए। तो जो मैंने ऊपर कराया ना एग्जांपल शॉर्टकट वाला, उससे भी तुम कर सकते हो, या तो तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। इसमें भी देखो, किसी एक सैंपल को पकड़ लो, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास, ठीक है, तुम किसी एक सैंपल को पकड़ के उसमें से क्या निकाल लो, फॉस्फोरस के एटम निकाल लो, ठीक है। और जैसे ही इसमें फॉस्फोरस के एटम मिलेंगे, इसको P4O10 कर लो, P4O10। सैंपल बनाने का क्या मतलब है, इन तीनों को इसने मिक्स किया हुआ है और बोल रहा है इन सब में कितने हाइड्रोजन है जो इसके इक्वल आ जाए, फास्फोरस ना, कि फास्फोरस इसके और इसके इक्वल आ जाए, P4 के और ये पूरे सैंपल के। क्या है, एक साइड ले लो क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन P4, इसी को तो इक्वल करने को बोल रहा है। इक्वल में ये सारे सैंपल आ जाएंगे ना, नंबर ऑफ एटम ऑफ किसके, H3PO4 प्लस नंबर ऑफ फास्फोरस एटम किसके, PH3 के, फिर प्लस नंबर ऑफ फास्फोरस एटम इन P4H10। ये तो मिक्सचर है ना पूरे। अब इसका भी एन ए, इसका भी एन ए, इसका भी एन ए, ऊपर वाले एग्जांपल में कैसे निकाला था मैंने, नंबर ऑफ फास्फोरस एटम के लिए क्या करोगे, इसमें कितने एटम है, 4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 × Na, ये एक साइड मिल जाएगा, वैसे ही सबके एन ए एन ए मिलेंगे प्लस करके ऐसे। तो Na को कॉमन लो, Na और Na कट जाएंगे, बचेगा खाली क्या जानते हो, ये नंबर बचेगा और नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे इनके सबके, और इन सबके तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे ना, वेट दिया है, मोलार मास निकाल के कैलकुलेट कर लो और फाइनली इसका मास मिल जाएगा ना तुमको। समझा नहीं समझ रहा, हम लोग ने नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन P4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, खाली फास्फोरस के एटम की बात हो रही है, एटम किसके, फास्फोरस के, नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन किस में, H3PO4 H3PO4 प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन किस में, दूसरा क्या था अपने पास, PH3 प्लस नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस इन किस में, P4O10 में। तो इसमें फास्फोरस के कितने एटम है, 4 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4 × Na, राइट। फिर इसमें क्या आ रहा है, इसमें फास्फोरस के एक ही एटम थे, तो 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 × Na प्लस ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी, इसमें फास्फोरस के एक ही एटम है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 × Na प्लस इसमें फास्फोरस के कितने एटम है, 4 × नंबर ऑफ मोल्स × Na। तो जब तू इसमें से Na कॉमन कर लेगी तो ये Na सब कट गए, तो ये फाइनल क्या बचा, 4 × नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास अपॉन P4 का मोलार मास कितना होगा, 4 × 4 4 × 12, ठीक है, ये हो गया। इसमें 1 × नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने मास दिया था ना, इसका कितना मास था, 98, अपॉन इसका मोलार मास कितना निकाला तुम लोग ने, इसका 98 आएगा।
ये देख भाई, मैं अभी तक कुछ बोला ही नहीं हूँ। वन इंटू PH3 का मास कितना दिया था? 68। और इसका मोलार मास कितना आएगा? 34। तो ये जाएगा 2, तो 1 + 2 हो गया, प्लस 4 इंटू इसका नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना दिया था इसका? 568। और इसका मोलार मास भी कितना आया? 284। तो ये कट गया 2, तो 4 × 2 = 8, प्लस ये हो गया 8। ठीक है, अब ये कितना है? 4 इंटू मास निकालना था, 124 है, तो क्या हो गया होगा? 8 × 2 = 10, 11 इंटू 124/4, तो मास कितना आ रहा है? 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, कितना? 11 × 11 = 11, 33 + 34, 341 ग्राम तो आ रहा है बराबर, सही तो है।